सो हेलो एवरीवन, बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों ने पी साइड में छोटी सी पोजीशन बना रखी है। 46,800 की पुट में हम लोगों ने एंट्री बनाई है 45 क्वांटिटी के साथ। एंड देखो नीचे की जो आपको एक ट्रेड दिख रही है, ये हमारी BTST ट्रेड थी जो हमने ओवरनाइट होल्ड की थी एंड कम क्वांटिटी थी। तो मार्केट अच्छा खासा हमारे एनालिसिस के हिसाब से गैप डाउन हमें ओपनिंग देखने को मिला था। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट हमें 200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन देखने को मिला था, तो हम लोग इसके अंदर इतना ही प्रॉफिट बुक कर पाए। एंड दूसरा, जब हमारा ऐसे लेंटिंग के ऊपर सेटअप बनता है ना, तब हम लोगों ने मार्केट में भी पी साइड में एक छोटी सी ट्रेड ली है। तो इस ट्रेड को अब थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं एंड देखते हैं SL हम लोगों ने जो डिसाइड कर रखा है वो इसके अंदर SL लेंगे, एंड जब मार्केट में टारगेट मिलेगा तो टारगेट लेके निकल जाएंगे। अभी के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो डेली ऐसी ही लाइव ट्रेड देखने के लिए। एंड टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी कोई न्यूज़ होती है ना, कोई अच्छी ट्रेड होती है, जैसे कोई स्टॉक का एनालिसिस हो गया, कोई इंडेक्स चार्ट पे एनालिसिस के लिए कोई अच्छी ट्रेड हो गई, वो आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि आप लोग भी अच्छे से मार्केट में सीख पाओ। एंड चार्ट पे अगर आप लोग देखोगे मार्केट में, तो ये मोमेंटम अभी के लिए कैप्चर कर रहे हैं, यानी कि ट्रेड हमारी चल रही है। एंड इससे पहले थोड़ा बहुत मार्केट ने लॉस भी दिखाया था, निफ्टी में हमें अच्छी खासी सेलिंग के अंदर दिखाई दे रही है। एंड बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा ही, यानी कि जो ऑन कॉस्ट आ गए थे हम लोग, एंड अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट चलने लगा है मार्केट के अंदर, तो थोड़ा वेट करते हैं। हालांकि मार्केट ने लॉस तो ठीक ठाक दिखाया था, तो अब अपना टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे। मार्केट में अच्छी सेलिंग भी आ रही है, जो हमारी एनालिसिस थी मार्केट में कि एक PE साइड में छोटा सा मोमेंटम एक्सपेक्टेड हो सकता है, वो मार्केट कर रहा है। लेकिन पता नहीं मार्केट को क्या हो गया, ऑप्शन बाइंग के अंदर मोमेंटम हम लोग पूरा कैप्चर कर रहे हैं, इंडेक्स चार्ट पे यानी कि सपोर्ट चार्ट पे हम लोग 120 से लेकर 150 पॉइंट तक कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन प्रीमियम पता नहीं क्यों इंक्रीज नहीं हो रहे। यानी कि मार्केट के अंदर मोमेंटम तो पूरा हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है हमारा स्टॉप लॉस जाने की, तब मार्केट नेट टू नेट अगर प्रीमियम चार्ट पे, सॉरी सपोर्ट चार्ट पे, इंडेक्स चार्ट पे अपना 70 पॉइंट का मोमेंटम करता है ना, तो उससे पहले ही हमारा ऐसे लेट हो जाता है 70 पॉइंट का। एंड अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट हमें उससे डबल लेना पड़ता है, यानी कि 120 से 150 पॉइंट भी अगर आप लोग मार्केट में कैप्चर कर लोगे ना, तब भी मार्केट में आपका प्रीमियम नहीं इंक्रीज होगा। एंड वैसा ही हमारे साथ भी आज हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे मार्केट में, मैंने आपको चार्ट पे दिखाया था सेलिंग अच्छी खासी आ रही है मार्केट में, लेकिन मार्केट ने लॉस भी अच्छा दिखाया था। तो जिस हिसाब से मार्केट के अंदर अभी के लिए सेलिंग चल रही है ना, तो मार्केट उतना हमें प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है। तो देखते हैं, अगर मार्केट ज़्यादा ही प्रॉफिट कम करेगा ना, तो हम लोग इसके अंदर ऑन कोर्स निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर रोज़ का हो गया ये मार्केट का, प्रीमियम इंक्रीज होते हैं नहीं। एंड जब बारी आती है लॉस देने की, तो मार्केट कोई कसर नहीं छोड़ती। तो इसलिए आज हम लोग देखेंगे, अगर थोड़ा बहुत और ये प्रीमियम इंक्रीज होता है उसके बाद इस पॉइंट को एग्जिट कर देंगे, नहीं तो फिर ऑन कोर्स निकलेंगे स्ट्रेट से। क्योंकि देखो यार, कोई मतलब नहीं बनता ना बेफालतू का मार्केट को स्टॉप लॉस देने का। तो वही बात है कि अगर आज मार्केट में ज़्यादा मार्केट ओके, तो सबसे पहले इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद इसे एग्जिट करेंगे। एंड वो प्राइस फिर से हमारे हाथ से निकल गया है, जैसा कि मैं डिस्कस भी कर रहा था। मार्केट में प्रीमियम जब इंक्रीज होते हैं, तब तो धीरे धीरे एक एक दो दो पॉइंट इंक्रीज होते हैं, एंड जब बारी आती है मार्केट को लॉस दिखाने की, तो मार्केट 10-10 पॉइंट सीधे ही नीचे गिर जाता है। तो देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, अब की बार दोबारा जैसे ही प्राइस देखने को मिलेगा हमें, इस ट्रेड को हम लोग एग्जिट कर देंगे, क्योंकि बड़ा सिरदर्द हो गया ऑप्शन बाइंग करना। आप लोगों को दिख भी रहा होगा, अगर आप लोग कर रहे हो ना ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आप लोगों को भी पता होगा मार्केट में प्रीमियम कैसे इंक्रीज़ होते हैं एंड कैसे जब मार्केट अगेंस्ट में जाता है तो गिरते हैं। लेकिन इन सब बातों को एक साइड में रखते हैं, जब हमारा सेटअप बनता है तब हम लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, एंड जब मार्केट हमारा लॉस कर देता है तो लॉस लेके मार्केट से निकल जाते हैं। मार्केट के साथ कोई फाइट नहीं करनी है, ट्रेड लेते हैं हमारी ऐसे लेंटिंग के सेटअप पर। एंड अगर आप भी ऐसे लेंटिंग वाला सेटअप सीखना चाहते हो ना, तो मार्केट में आप लोगों को पता होगा कि कैसे रिटेल बंदों को ट्रैप किया जाता है, तो उसे सीखने के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे ऐसे लेंटिंग के अकॉर्डिंग जो भी अच्छी ट्रेड होती है आपको प्रोवाइड कर दी जाती है एनालिसिस पर्पज़ के लिए। एंड इस ट्रेड को हम लोग यहीं एग्जिट करते हैं, आज का डे हम लोग मार्केट में क्लोज करते हैं। एंड सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं मार्केट में चार्ट पे जाके कि कितना मोमेंटम हम लोगों ने कैप्चर किया है एंड प्रीमियम कितने इंक्रीज हुए हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे ही हम लोगों ने एग्जिट किया उसके बाद मार्केट में छोटा सा एक मोमेंटम और हुआ है। लेकिन बात करें हम लोग प्रीमियम की, तो देखो जब हम लोगों ने मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम कैप्चर किया था तब प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुए थे, लेकिन जैसे ही हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया ना, उसके तुरंत बाद आप लोग देख पा रहे होंगे मार्केट में फिर से एक और सेलिंग का मोमेंटम आता है एंड उसके अंदर मार्केट अच्छे प्रीमियम इंक्रीज करता है। लेकिन देखो कोई फ़ायदा नहीं होता, अगर इस ट्रेड को थोड़ी देर हम लोग और होल्ड करते तो हो सकता था मार्केट वापस ही रिवर्स भी कर जाए। तो हालांकि हम लोगों ने अपना मोमेंटम पूरा कैप्चर किया था 118 पॉइंट का सपोर्ट चार्ट